हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी मैं उठकर आई थी, मैं 5:30 बजे, तो देखिए 6 बज गया है, 6 बजने वाला है। और अभी अंशु का लंच मैंने कुछ नहीं बनाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको क्या लंच बना कर दूँ, अपने घर में सबके लिए क्या खाना बनाऊँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। कल तक तो मैंने काम कर लिया था, लेकिन आज ना बिल्कुल भी नहीं मन हो रहा है कि मैं खाना बना पाऊँगी। तो रात मैंने, मुझे पता था कि मेरी ऐसी हालत होने वाली है, इसलिए मैंने कल भिंडी बनाई थी, और रात मैंने इतनी भिंडी छोड़ दी थी, मैंने खाई थी। मैंने कहा सबको लंच दे दूँगी, सोच रही हूँ रोटी बनाने के लिए, सहजन था वो भी सूख गया, सूख गया, फिर भी जा रही हूँ छील छाल के इसको बना देती हूँ सब्जी। तीन चार अंडे इसको भी भून दो, खराब हो जाएगी। हालत देख रहे हैं, 3 दिन से मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, तबीयत की वजह से बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा मेरा कहीं जाने का। और दिन पे दिन और तबीयत खराब होती जा रही है। पहले अंशु के लिए आटा गूंद के रोटी बनाती हूँ। रोटी मैं सबके लिए बना दूंगी, दूध गर्म कर देती हूँ, जरा पहले रोटी बना लेती, उसके बाद में सब्जी बनाऊंगी। इसको काट कर पानी में डाल देती, थोड़ा सा इसका छिलका उतर जाएगा। कल तक तो मेरे को इतना फीवर था, फिर भी मैं काम कर पा रही थी, लेकिन वही है ना, ज़्यादा दिन अगर फीवर में फीवर रहने से वीकनेस आ जाती है, उसके बाद काम हो जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए, इसको कट करके पानी में डाल दी उधर, बाकी आलू छिलूंगी, फिर बनाऊंगी सब्जी और आटा लगा लेती हूँ ऊपर।
शायद गूंदा हुआ आटा है, देखती हूँ अगर गूंदा हुआ आटा रहेगा तो उससे रोटी बना लूंगी। फिर आटा मैं बाद में गूंदूंगी। तो है तो रोटी आराम से बन जाएगी क्योंकि वो आटा सब्जी बनाने के बाद गूंदूंगी। गूंद कर रखने से ना मेरे साथ रोटी नहीं बन पाती, गूंदा हुआ आटा सब्जी बेकार हो जाती है। चलिए थोड़ा सा दूध गर्म हो जाए फिर तवा चढ़ा देती हूँ, तो बर्तन मैं धो लूँगी। चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग, तक ले पापा, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।